ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं जिन्होंने पहले कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। और अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली राशि सीधे उन खातों में डाल दी जाती है, जिसके कारण गरीब को पूरा पैसा मिलने लगा है और बीच का भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। इसी तरह भारत में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। इसी सप्ताह 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि उनकी बीमारी के इलाज के लिए दी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में ये योजना क्रांतिकारी साबित होगी। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ एक प्रार्थना की जाती है जिसमें हम कहते हैं सर्वे संतु निरामया, यानी सब निरोगी हो, ये योजना उस कामना की पूर्ति करेगी। इसी तरह बेघरों को घर देने के लिए विश्व की सबसे बड़ी आवास योजना हमने चलाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 2,95,00,000 आवास शहरी और ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे, ताकि 2022 तक हर गरीब के पास अपना घर हो, कोई भी बेघर न रहे। और अभी तक 53,50,000 मकान बनाए जा चुके हैं। इसी तरह बेरोजगार लोगों को स्वरोजगारी तथा उद्यमी बनाने के लिए कौशल विकास योजना के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण देकर और मुद्रा योजना के माध्यम से काम शुरू करने के लिए ऋण देकर दो प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ मैं विशेष रूप से ये उल्लेख करना चाहूँगी कि मुद्रा योजना के अंतर्गत 14,09,00,000 लोगों को ऋण दिया गया है, जिसका 76% महिलाओं को दिया गया है। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है कि यदि गरीबी का उन्मूलन करना है तो सबसे पहले महिलाओं का सशक्तिकरण करना होगा। मैंने जितनी योजनाओं का उल्लेख किया है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, और कुछ अन्य योजनाएं केवल महिलाओं को ही लाभ देने के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, मातृत्व अवकाश योजना। पिछली बार मैंने इसी मंच से उज्ज्वला योजना के विषय में उल्लेख किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। मातृत्व अवकाश योजना यानी मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम, इसके अंतर्गत भारत में कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए 26 हफ्तों की छुट्टी वेतन सहित दी जाती है। अध्यक्ष जी, एक महिला होने के नाते आप इस योजना से महिलाओं को मिलने वाले लाभ को आसानी से समझ सकती हैं। हम सबको जानकारी है कि कुछ विकसित देशों में वेतन सहित 6 हफ्तों की छुट्टी प्राप्त करने के लिए महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, लेकिन भारत में वेतन सहित 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लागू कर दिया है। अध्यक्ष महोदया, सन 2022 में आज़ाद भारत 75 वर्ष का हो जाएगा, और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। वो भारत कैसा होगा? वो भारत होगा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, विकसित भारत, और ऊर्जावान भारत, शक्तिमान भारत। हम बहुत तेज गति से इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और वर्ष 2022 तक ये संकल्प सिद्धि में बदल जाए, इसका पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, विश्व आज जिन चुनौतियों से जूझ रहा है उसमें जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के सबसे बुरे परिणाम अविकसित और कम विकसित देश भोग रहे हैं, जिनमें अपने बचाव की ना सामर्थ्य है और ना क्षमता है। इसलिए जिन विकसित देशों ने प्रकृति का विनाश करके अपना विकास किया है, वो आज अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। यदि हम विश्व को जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचाना चाहते हैं तो बड़े देशों को छोटे देशों की सहायता के लिए आगे आना ही होगा। पेरिस समझौते में कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के सिद्धांत को दोहराते हुए इस सत्य को स्वीकार किया गया है। इसीलिए विकसित देशों को छोटे देशों के लिए राशि भी देनी चाहिए और तकनीक भी।
जलवायु परिवर्तन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए पेरिस समझौते के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। अब इस गठबंधन में 68 देशों ने सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी वर्ष 11 मार्च को हमने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की सह अध्यक्षता में इस गठबंधन का स्थापना सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 120 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी तो वन सन वन ग्रिड की भी संकल्पना कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि हम सबका सूर्य एक है तो ग्रिड भी एक ही क्यों ना हो जाए। यदि ये संकल्पना पूरी हो गई तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एक प्रभावी माध्यम बनेगी। अध्यक्ष जी, मैंने दूसरी प्रमुख चुनौती कही थी आतंकवाद। 20वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि 21वीं सदी में शांति और समृद्धि का युग प्रारंभ होगा, किंतु 9/11 की न्यूयॉर्क की घटना और 26/11 की मुंबई की घटना ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज आतंकवाद का राक्षस कहीं धीमी गति से तो कहीं तेज गति से विश्व के हर देश तक जा पहुंचा है। भारत तो कई दशकों से इसका दंश भोग रहा है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है, बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है। इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहाँ पनाह देकर उसे छिपा के रखा हुआ था। ये तो अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है अध्यक्ष जी, कि उन्होंने ओसामा को वहाँ खोज निकाला। और ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है कि उन्होंने उन्हें वहीं मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पे जेब न माथे पे शिकन, जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही ना। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जारी है। 9/11 का मास्टरमाइंड तो मारा गया, किंतु 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। लेकिन एक बात संतोष की है कि दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया है, और इसीलिए FATF ने टेरर फंडिंग के लिए आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने के लिए पाकिस्तान को निगरानी सूची में रख दिया है। अध्यक्ष जी, हम पर एक आरोप लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। ये पूरी तरह असत्य है। हमारा तो मानना है कि दुनिया के जटिल से जटिल मुद्दे केवल बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं और सुलझाए जाने चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान के साथ अनेक बार वार्ता शुरू की गई है, वार्ताओं के अनेक दौर भी चले हैं, लेकिन हर बार उनकी हरकतों के कारण ही वार्ता रुकी है। भारत में अनेक राजनीतिक दलों की सरकार केंद्र में बनी है। हर सरकार ने ये कोशिश की कि बातचीत के द्वारा हमारे विवाद सुलझ जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही सार्क के सभी नेताओं को आमंत्रित करके सरकार बनने से पहले ही ये शुरुआत कर दी थी। 9 दिसंबर 2016 को स्वयं मैंने इस्लामाबाद जाकर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की शुरुआत कर दी थी, किंतु मात्र 3 हफ्ते बाद 2 जनवरी की रात को पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया गया। आप ही बताएं अध्यक्ष जी, उस माहौल में बातचीत आगे कैसे बढ़ सकती थी। अभी भी पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ये इच्छा जताई
कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा हो। हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन चंद घंटों बाद ये खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया। क्या ये हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं? और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है? और क्या मुलाकात होनी चाहिए? आए दिन पाकिस्तान हम पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है। अध्यक्ष जी, मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तो आतंकवादी करते हैं जो निर्दोष लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। लेकिन पाकिस्तान किनकी पैरवी करता है? वो पैरवी करता है मारने वालों की, और जो मारे जाते हैं उन पर चुप्पी साध लेता है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना, गलत तस्वीरें दिखाकर मानवाधिकार के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाना पाकिस्तान की आदत बन गई है। ये घटना अध्यक्ष जी इसी सभागार में घटी थी, और पुरानी नहीं, पिछले वर्ष घटी थी, जब पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने राइट टू रिप्लाई का उपयोग करते हुए अपने उत्तर में एक दूसरे देश की तस्वीर दिखाकर भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन की तोहमत लगाई थी। अध्यक्ष महोदया, पिछले 5 वर्षों से लगातार इस मंच से भारत कहता आ रहा है कि केवल एक सूची या दूसरी सूची में आतंकवादियों का नाम रख देने से मसला हल नहीं हो जाएगा। जब तक हम आतंकवादियों को किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की गिरफ्त में नहीं लाएंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। भारत ने 1996 में CCIT का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था। आज तक वो प्रस्ताव अटका हुआ है, और अटकने का केवल एक कारण है कि हम आतंकवादी की परिभाषा पर सर्वसम्मति नहीं बना पा रहे। ये विडंबना है कि हम आतंकवाद से लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी कौन है इसे परिभाषित ही नहीं कर पाते। उस बुराई से हम कैसे लड़ेंगे अध्यक्ष जी, जिसकी परिभाषा हम तय नहीं कर पाएंगे? इसीलिए विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं, और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकालकर उन्हें महिमा मंडित करती है। अध्यक्ष जी, ऐसे कृत्यों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कब तक चुप बैठकर देखते रहेंगे? ऐसे करतूतों की कब तक हम अनदेखी करते रहेंगे? यदि इन हरकतों को कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आतंकवाद का ये दानव पूरी दुनिया को निगल जाएगा और इस दावानल में पूरा विश्व जल जाएगा। इसलिए आज मैं आपसे पुनः अपील करती हूँ, इस मंच से आप सबको अपील करती हूँ कि आतंकवाद की परिभाषा पर सर्वसम्मति बनाकर जल्दी से जल्दी हम CCIT को पारित करें। अध्यक्ष जी, अब मैं संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता के विषय में कुछ कहना चाहूँ। मैंने प्रारंभ में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया के देशों का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन अब मैं एक और वाक्य इसके आगे जोड़ना चाहती हूँ कि धीरे धीरे इस मंच का महत्व, इसका प्रभाव, इसकी गरिमा और इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस क्षण के चलते कहीं हमारा हश्र भी लीग ऑफ नेशंस जैसा ना हो जाए। लीग का पतन इसीलिए हुआ था क्योंकि वो सुधार के लिए तैयार नहीं। हम कम से कम वो गलती न करें। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता है, और उससे भी पहले सुरक्षा परिषद के सुधार में आवश्यकता है। और ये सुधार दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ऐसे सुधार हों जो दिल और दिमाग में बदलाव लाएं। आज सुरक्षा परिषद दूसरे विश्व युद्ध के 5 विजेताओं तक ही सीमित है। क्या इसे आज के युग के अनुकूल माना जा सकता है, जब भारत समेत विश्व का अधिकांश हिस्सा उपनिवेशवाद की गिरफ्त में था? उस समय की बनाई गई सुरक्षा परिषद क्या आज के विश्व की चुनौतियों को समझ पा रही है? मुकाबला करना तो दूर, जो चुनौतियां हैं वो उसकी समझ से परे हैं। इसलिए मेरी अपील है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, इस सत्र में एक विषय जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और सभी नेता बोल रहे हैं, वो है मल्टीलेटरलिज्म, यानी बहुपक्षीय व्यवस्था। इस व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं
उससे बहुत देश चिंतित है। मैं भी इस विषय में अपनी ओर से भारत का मत रखना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदया, भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखता है। कुटुंब का अर्थ है परिवार, फैमिली, और वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, ग्लोब। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है वी आर अ ग्लोबल फैमिली, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, विश्व एक परिवार है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र को भी परिवार के तर्ज पर चलाया जाना चाहिए। तो न्यूयॉर्क से सुन रहे थे आप सुषमा स्वराज को, संयुक्त राष्ट्र में बोल रही थी सुषमा स्वराज, और उन्होंने सीधे अटैक किया है पाकिस्तान पर ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद सबका जिक्र करते हुए, बुरहान अवानी का जिक्र करते हुए सीधे आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए मांग की है कि आतंकवाद की परिभाषा को तय करना ही पड़ेगा। इसके बावजूद